वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। मैं कैसा चिकन फ्राई करती हूँ चलो आपको बताती हूँ। मैं उसके लिए क्या क्या मसाले ली हूँ वो आपको बताती हूँ। चलो बिस्मिल्लाह करती हूँ। ये पहले तो मैंने आधा चम्मच नमक ली हूँ, और ये पिंक सॉल्ट है, नमक जो काला नमक भी बोलते हैं हम लोग, जो ये आधा टी स्पून है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है एक चम्मच, और ये डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर है, और ये काली मिर्च पाउडर है, ये आधा टीस्पून है, और ये खाने का फूड कलर है, ये भी आधा टीस्पून है, और ये गरम मसाला पाउडर, ये आधा चम्मच, डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन, एक नींबू का रस, और ये कॉर्नफ्लावर का आटा है तीन चम्मच, और ये दो चम्मच चावल का आटा है, और ये हरी मिर्चें, ये हरी मिर्च मैंने चार हरी मिर्च इस तरह से बारीक बारीक चॉप करी, और ये कड़ी पत्ता है थोड़ा सा, ठीक है, और ये दो अंडा लियो मैंने। चलो अभी मैं बताती हूँ, ये मैं पौना किलो के हिसाब से आपको मसाला बता रही हूँ। अगर आपका कम है तो आप अपने जैसा आपका है चिकन आधा किलो है तो मसाले क्वांटिटी कम करो, ठीक है। अभी इसमें मैं सब मसाले लगा के लेती हूँ। ये पहले सूखे मसाले डाले मैंने, ठीक है। अभी अदरक लहसुन देखो, ये सब एक साथ डालने का इस तरह से। ये नींबू का रस, ठीक है, ये हरी मिर्च, ये मसाले को सब एक साथ डाल के अच्छे से मिक्स करके रखने का इसको। ये कड़ी पत्ते को मैं थोड़ा कट करके डालती हूँ, देखो आपके सामने। इस तरह से बारीक बारीक कट करके कड़ी पत्ते को डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो सूखा जो कॉर्नफ्लावर का आटा चावल का आटा लियो ना, ये भी डाल देती हूँ, और ये दो अंडे हैं। अब मेरे को लगेगा तो दो डालूंगी, नहीं तो अगर कम, इसमें पानी नहीं डालूंगी, इसमें अंडे का ही मैं इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। अगर कम पड़ेगा तो वो भी एक डालूंगी। ठीक है, अभी मैं इसको हाथ से अच्छा मिक्स करके लेती हूँ। देखो इसमें एक ही अंडा गया, ठीक है, मेरे पौना किलो चिकन में एक ही अंडा गया, और एक अंडा मेरा ऐसे ही रहा। इसमें मैंने पानी जरा भी नहीं डाली, ठीक है। अगर आप चाहो तो बोनलेस में भी इसको बना सकते हैं, और नहीं तो फिर मेरे जैसा जैसा मैं हड्डी वाले में बना रही हूँ, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चिकन फ्राई है ना, कैसा भी अपने को अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका है, और ये तेल में डालती हूँ। अरे मैंने ब्लैक नमक डाली ना, वो अपना ही टेस्ट देता है। तेल को मैंने ज्यादा गर्म नहीं करी क्योंकि चिकन थोड़ा अंदर तक पक जाए। अगर आप चाहो तो इसे रात भर पूरी रख सकते हैं फ्रिज में, मैं नहीं रख रही हूँ, मैं ऐसे ही फ्राई करूँ, ऐसे भी अच्छा टेस्ट है, ठीक है। और देखो मैंने दो दो चम्मच डाली मसाला, पूरा ही पौना किलो के हिसाब से डाली मैंने कॉर्नफ्लावर। अगर आपका कम है चिकन या ज्यादा है तो क्वांटिटी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस मसाले यही रहेंगे, बस खाली क्वांटिटी अपनी चिकन के हिसाब से आप कर सकते हैं। देखो ये मैंने कढ़ाई में मेरे जितना चिकन बैठा मैंने उतना पूरा डाल दी हूँ। अभी इसको एक दो मिनट बिल्कुल टच नहीं करने का, जब तक ये हम जो मसाला लगाई ना चिकन पे अच्छे से पूरा लग नहीं जाता और पूरा तेल में अच्छा फ्राई नहीं होता, क्योंकि हम लोग पहले हिलाएंगे ना तो पूरा मसाला चिकन छोड़ देगा तेल में, ठीक है। उसको एक दो मिनट बाद हिलाएंगे तो फिर मसाला पकड़ेगा अच्छा, ठीक है। मैं आपको फ्राई करके बता दूँ, ये चिकन फ्राई हो गया, मैंने पूरा चिकन फ्राई करके लिए, ठीक है। अभी आपको निकाल के बता दूँ, माशाल्लाह अच्छा एकदम जूसी फ्राई हो गया। ठीक है, मैं पूरा निकाल के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये आज मैं बनाया हूँ चिकन फ्राई, ये इफ्तार में सबका फेवरेट होता है, ठीक है। आज ये अगर तो आपको मेरा पसंद आ रहा होगा चिकन फ्राई, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करो, और आपको कोई नई डिश चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।